आई बिलीव इफ यू हियर देन यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन लॉ, कि आप जानना चाहते हो लीगल पोजिशन कंट्री में क्या है प्रेजेंटली, क्या ऐसे केसेस हैं जो चल रहे हैं कंट्री में, जो गवर्न कर रहे हैं सेप्टेम्बर मंथ को, देन वी आर हियर विद दिस वीडियो जहां पर हम बात करने वाले हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जो सेप्टेम्बर मंथ में आ चुके हैं. और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अगेन दिस जजमेंट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट केस. हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. अरविंद केजरीवाल वर्सेस सीबीआई, आपने देखा भी होगा, हमने इसके बारे में पहले भी पोस्ट डाला था इनफैक्ट, तो आपने देखा होगा कि जो भी अक्यूज रहे हैं इस लीकर पॉलिसी स्कैम केस में, इनका ट्रायल बहुत लंबा है बिकॉज 82 पीपल हैव बीन हेल्ड टू बी अक्यूज्ड, और सबकी अलग अलग मतलब ट्रायल सबका चलेगा. अभी तो सबको एक एक को बुलाया जा रहा है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेजर लोगों को बेल दी है इन द केस. आपने अगर फॉलो करते हो आप हमें इंस्टाग्राम पे, वहां पर हम ये चीज ऑलरेडी इसके ऊपर पोस्ट डाल चुके हैं कि किस किस को बेल मिली है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, अब तो अतिशी जो है वो चीफ मिनिस्टर है टिल द टाइम अरविंद केजरीवाल इज सेट, कि जब तक वो नए इलेक्शन में नहीं जीतते हैं तब तक वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे. सो Now, this case basically, as you know, relates to the Delhi liquor policy scam. तो इस केस में कोर्ट ने क्या बोला, जो वर्डिक्ट आया उसमें ये बात करी गई कि अरेस्ट जो है वो लीगल है, इस चीज को कोई चैलेंज नहीं किया जा रहा है. बट एट द सेम टाइम ये बोला गया क्योंकि इस केस में चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, बट ट्रायल जो है उसकी पोजिशन ऐसी नहीं है कि देखा जाए कि वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन स्पेसिफाइड स्पैन ऑफ टाइम. इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमें आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, तो किसी की भी लाइफ और लिबर्टी ऐसे नहीं छीनी जा सकती. तो कोर्ट ने बोला है कि अगर हम इनको जेल्स में लैंग्विश करने देंगे तो ये उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, विच इज बाय ऑल दीज पीपल हैव बीन ग्रांटेड बेल, बिकॉज ये हमारी पर्सनल लिबर्टी, इनकी पर्सनल लिबर्टी पे इन्फ्रिंज करता है अंडर आर्टिकल 21. और जो कोई भी एलिगेशन थी कि अरेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ है या इलीगल डिटेंशन है, वो कोर्ट ने मना कर दिया. एंड कोर्ट सेड दैट देयर वाज नो irregularity in the arrest. Then moving forward, next case हम देख रहे हैं, it relates to child pornography. अगर आपको पता होगा section 15 of POXO Act जो है हमारा, वो ये कहता है कि अगर आपने child pornography अगर आपने स्टोर करी है, आप उसको possess करते हो या फिर आप उसको ट्रांसमिट करते हो, ये तीनों ही चीजें पनिशेबल हैं. तो इस केस में क्या होता है कि जो अक्यूज है ही क्लेम्ड कि मुझे ऐसा पता नहीं था कि इवन स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाहे मैंने उसे ट्रांसमिट ना करी, अगर वो मेरे फोन में भी है तो वो पनिशेबल है, मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता था. बट एज यू ऑल नो, एक प्रिंसिपल जो हम लॉ में फॉलो करते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. तो सेम चीजें यहाँ पर लगाते हुए, और प्लस सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर को, पॉक्सो एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जब मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने ये बात बोला कि मेयर स्टोरिंग स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट पनिशेबल. बट सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को ओवरटर्न किया. साथ में कोर्ट ने यह भी बोला कि ये जो एग्रीजियस एरर कमिट किया गया है बाय मद्रास हाईकोर्ट इन होल्डिंग दिस, एंड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड एंड जस्टिस पार्दीवाला, दे सेट असाइड द डिसीजन जो भी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आया था, और वापस से द अक्यूज्ड वाज पुट बिहाइंड द बार्स. एंड कोर्ट ने साथ में ये बोला कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंटरनेट पे भी देख रहे हो, यू आर स्ट्रीमिंग इट विदाउट डाउनलोडिंग इट, देन वो भी इट अमाउंट्स टू एज पोजेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट. और आप ये नहीं बोल सकते हो कि यू डिड नॉट नो द लॉ. ये आपका तभी डिफेंस बन सकता है जब मान लीजिए कि आपको कोई लेजिटिमेट या बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट था कि ऐसा कोई राइट या क्लेम ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं. इन ऑल अदर केसेस यू विल बी पनिशेबल. सो रिमेंबर कि यहां पर कोर्ट ने ये बोला है मेयर स्टोरेज इज ऑल्सो पनिशेबल, जो कि सेक्शन 15 से कोरिस्पॉन्ड करता है. अगर आप सेक्शन 15 की लैंग्वेज देखोगे, दे हैव यूज द वर्ड स्टोर. सो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कोर्ट ने बोला दैट देयर हैज बीन एरर दैट हैज बीन कमिटेड. देन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया जाता है बाय लॉ स्टूडेंट्स टू बी एन एडवोकेट, टू एनरोल एज एन एडवोकेट. आपको वो एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी होता है आफ्टर योर LLB. बट ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जैसे इस साल का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो नवंबर में शेड्यूल्ड है, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में है और वो एग्जाम नवंबर में है, तो वो नहीं दे पाएंगे उस एग्जाम को, विच विल लीड टू अ वेस्टेज ऑफ देयर ईयर. प्लस उन्हें एनरोलमेंट कराना होगा,
विद द स्टेट बार काउंसिल बिफोर गिविंग द बार एग्जाम, तो उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उन्हें फिर नेक्स्ट नवंबर तक वेट करना पड़ेगा टू गिव अनदर एग्जाम। तो इसी को लेके तीन स्टूडेंट्स ने पिटिशन करी, कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, निले राय एंड अदर्स वर्सेस बीसीआई। तो इन्होंने पिटिशन करी कि इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, सो रिमेंबर वट एवर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग रिलेटिंग टू योर लीगल इंडस्ट्री, लीगल करियर, लीगल प्रोफेशन, हम उसके बारे में जरूर अपडेट डालते हैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे। तो आप मेक श्योर करो कि आप दोनों जगह पे हमें फॉलो कर रहे हो ताकि तभी इंस्टेंट अपडेट आपको पास पहुंच जाए। मंथली अपडेट्स तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, बट साथ साथ एट द टाइम व्हेन द इवेंट इज हैपनिंग तब भी आपको नॉलेज मिल जाएगी अगर आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर रहे हो। प्लस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस या फिर जो लोग जनरली भी इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए, हम यहाँ पर इन वीडियोज में कुछ लिमिटेड केसेस ही कवर कर पाते हैं डिटेल में, और जो सारे केसेज हैं उसके लिए हम एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे मिलता है, तो आप वहां से जाके वो पीडीएफ देख सकते हो। नाउ हियर कोर्ट ने बोला कि ये जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इनको बार काउंसिल का एग्जाम देने दिया जाएगा इवन इफ दे आर इन देयर फाइनल ईयर, इन्हें एआईवी करने से आप नहीं रोक सकते हो। इसके रिस्पेक्ट में द पिटिशनर्स रिलाइड ऑन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ बोनिफाई लॉ कॉलेज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज बोनिफाई लॉ कॉलेज, जहां पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अलाउड था एआईवी देना, और यहाँ पर कोर्ट ने फिर बोला कि आप चाहे ठीक है आपको टाइम चाहिए, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें रूल्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अलग से रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें टाइम दिया जाए, बट कोर्ट सेड कि आप वो टाइम ले लो, आप रूल्स बना लो, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एक साल वेस्ट ना हो। और अब अगर आप देखोगे भी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वो रूल आ चुका है, उन्होंने एक नोटिस निकाला है। तो अगर आप भी एक लॉ स्टूडेंट हो, इंटरेस्टेड हो एआईवी देने में, देन यू मस्ट गो थ्रू दैट नोटिस। देन अनदर केस आपको पता ही होगा, आपने न्यूज में सुना भी होगा, हमने भी रादर इसके बारे में पोस्ट किया था कि तिरुपति के जो लड्डू हैं उनको लेके कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज जो सीएम है वहां के उनका ऐसा कहना है कि जो लड्डूज हैं उसमें ऐसा एनिमल फैट यूज हो रहा है एंड विच गोज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म। तो सीनियर बीजेपी लीडर ने इसके बेसिस पे एक पीआईएल भी फाइल करी, आस्किंग द कोर्ट की एक कमिटी बनाई जाए और ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू इनमें देखा जाए कि क्या अडल्ट्रेटेड घी यूज हो रहा है इन लड्डूज में। और स्वामी ने ऑल्सो ही सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई अथॉरिटी से थ्रू फोरेंसिक्स की, जो भी घी सैंपल यूज हो रहा है इसको एग्जामिन करते हुए इसके ऊपर एक रिपोर्ट आनी चाहिए फ्रॉम द लैब। अब रिसेंटली अगर आपने देखा होगा अक्टूबर में कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है सीएम को, सेइंग कि चंद्रबाबू नायडू को क्रिटिसाइज किया गया है कोर्ट की तरफ से, बोलते हुए कि ये जो लैब रिपोर्ट थी इट वाज बेस्ड ऑन द रिजेक्टेड सैंपल्स, और उन्होंने ये रिजेक्टेड सैंपल्स वाली रिपोर्ट पब्लिक कर दी, इसके ऊपर कॉमेंट कर दिया बोल के कि ये अडल्ट्रेटेड है, इसमें एनिमल फैट है, विच क्रिएटेड ऑल द अनरेस्ट बिटवीन द पीपल, एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिमांडेड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इन टू द मैटर। यहाँ पे कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी के लिए डिमांड करी गई है, एंड अब अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो कोर्ट ने इस चीज पे एक्शन लिया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इट इज पेंडिंग, द रिजल्ट इज येट टू कम आउट। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एज आई सेड कि आपको और जजमेंट्स पढ़ने हैं और नॉलेज गेन करनी है रिगार्डिंग दिस इशू, तो आप हमारा लीगल करंट अफेयर्स का मॉड्यूल चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। बाकी और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस हियर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम।